नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार का कोई भी आयोग हो, चाहे BPSC, BSSC, BTSC, CSBC, जो बिहार पुलिस सिपाही की बहाली करता है, चाहे शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का मामला हो, कोई भी मामला हो, हर मामले को लेकर सरकार से मांग करते हुए अभ्यर्थी सड़क पर हमेशा आपको दिखाई देंगे। और ऐसे में चिराग पासवान ने भी इन अभ्यर्थियों का साथ दिया है। और चिराग पासवान से हमने सीधा सवाल किया कि आयोगों की जो हालत है इस पर उनका क्या कहना है, आप खुद सुने। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। मैं सड़क पर है, अभ्यर्थी हो, शिक्षक हो, छात्र हो, युवा हो, महिलाएं हो, हर कोई अपनी अपनी मांगों को लेकर आज की तारीख में सड़क पर है। और ये सरकार बंद कमरों में एसी चलाकर गर्मी धूप से बचने के लिए कमरों में बैठे हुए हैं। कोई नेता, मंत्री, अधिकारी इनके धरनों में आपको आता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। पर वही अगर आज बिहार में चुनाव आप घोषित कर दीजिए, तमाम नेता, मंत्री, सांसद, अधिकारी सब यहाँ पर भागेंगे चुनाव के डर से। पर आज क्योंकि चुनाव नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। शिक्षकों से शिक्षा मंत्री मिलना तक जरूरी नहीं समझते। आयोग के लोग यहाँ पे, तकनीकी विभाग के लोग यहाँ पर बैठे हैं, जेई श्रेणी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे मिलना जरूरी नहीं समझते। और ये लोग यहाँ पर बैठे हैं तो प्रशासन इनका तंबू यहाँ से उखड़े, पंडाल यहाँ पर लगा नहीं सकते, आपके ऊपर FIR किया जाएगा, लाठियाँ। इनको देखिए भैया, शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, शर्ट फाड़ दी गई, लाठियां चलाई जा रही हैं। भाई क्यों क्यों शिक्षकों, छात्रों पर आप ऐसे लाठियां चलाते हैं, युवाओं पे लाठियां चलाते हैं? भाई शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना तो संविधान भी अधिकार हम लोग को देता है ना भैया, कि आप शांतिपूर्वक आप प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन। यहाँ पे बताइए कौन सी हिंसा कर रहे हैं? इतनी देर से मीडिया के भी लोग हैं, आप लोग देख ही रहे हैं कौन सी हिंसा ये लोग कर रहे हैं। शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को रखें। क्या कारण लगता है कि बिहार में जितना भी आयोग है, कोई भी प्रक्रिया सही ढंग से नहीं हो रही है, चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे BPSC हो, चाहे BTSC हो, कोई भी आयोग की अगर हम बात करें? टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर, टॉलरेंस की वजह से हो रहा है। मुख्यमंत्री जो बोलते हैं कि हमारा जीरो टॉलरेंस है, नहीं भैया, आप टॉलरेट कर रहे हैं भ्रष्टाचार को। मुख्यमंत्री ने RCP जी का भ्रष्टाचार टॉलरेट किया कि नहीं किया? आज जब पार्टी से निकल रहे हैं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। तो इतने सालों से जब वो भ्रष्टाचार कर रहे थे तो मतलब आप टॉलरेट कर रहे थे ना मुख्यमंत्री जी? कैसे टॉलरेट किया आपने? आज यहाँ पर क्यों भर्तियाँ नहीं हो रही हैं? क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार कारण है। रिजल्ट अनाउंस होकर उसको रोक दिया जाता है। क्यों? ताकि बैकडोर चैनल खुले, जो लोग पैसा दें उनकी भर्ती हो जाएगी, उनकी नियुक्ति हो जाएगी, जो पैसा नहीं देंगे नहीं होगी। सिर्फ भ्रष्टाचार कारण है कि आज आधा बिहार सड़क पर। क्या चिराग पासवान से अभ्यर्थी, छात्र ये उम्मीद करें कि वो आयोग से, सरकार से एक मांग करेंगे? वो मांग ये है कि कोई भी वैकेंसी आए उसका एक कैलेंडर जारी होना चाहिए पूरी प्रक्रिया का, कि कब क्या हो। भाई मेरी अपनी सीमाएं हैं, पर अपनी सीमाओं में रहकर मैं जरूर प्रयास करूंगा कि मैं इनकी बातों को उचित मंच तक लेकर जाऊं। मैं शिक्षा मंत्री से, सोचिए मैं सांसद हूँ, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, पिछले एक महीने से मैं शिक्षा मंत्री से मिलने का समय मांग रहा हूँ। मुख्यमंत्री तो मुझे समय देते नहीं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर शिक्षा मंत्री एक महीने से एक सांसद समय मांग रहा है, वो समय नहीं दे रहे, तो आम बिहारियों के आप हालात देख लीजिए क्या होगा। मैं आयोग से भी आज आग्रह करूंगा कि भैया आयोग के अध्यक्ष कम से कम मिलने का समय दे और इनकी जो 3 साल से जो रिजल्ट रुका हुआ है कम से कम उसको अनाउंस कर। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। तो सुना आपने कि चिराग पासवान ने आयोग पर आरोप मढ़ते हुए ये भी कहा है कि वो छात्रों की मांग आयोग तक पहुंचाएंगे। जैसा हमने उनसे सवाल भी किया था कि कोई भी बहाली प्रक्रिया निकलती है तो उसके साथ कैलेंडर भी निकलना चाहिए, और उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ तक कहा कि शिक्षा मंत्री से वो पिछले एक महीने से मिलना चाह रहे हैं मगर उन्हें समय नहीं मिल रहा है, जबकि वो एक सांसद हैं। तो वहीं आम जनता के साथ किस तरह का बर्ताव सरकार का होगा, इस पर उन्होंने सीधा प्रहार किया। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।